देखो भाई, आज फिर हम जो कंटिन्यू करते हैं बाइनोमियल थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशन। लास्ट टाइम पे क्या हो गया था, सम ऑफ कॉन्स्टेंट का क्या हो गया था भैया? मैंने मान लिया था एन सी जीरो एन सी वन रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट टाइम पे क्या हो रहा था, एन सी जीरो एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री अप टू एन सी एन अप टू एन सी एन, इसकी क्या था टू की पावर एन माइनस वन, ये क्या था टू की पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन था एन की क्या था ये एन माइनस वन था टू की पावर एन था, बताओ क्या था ये? हाँ गलत है, क्या टू की पावर एन था, क्या था सही कह रहे हो आप, क्या था टू की पावर एन। ठीक, एक इंपॉर्टेंट है ये, एक क्या था एन सी अगर ये था एन माइनस वन सी जीरो प्लस एन माइनस वन सी वन एन माइनस वन सी टू प्लस एन माइनस वन सी थ्री एन माइनस वन सी एन इक्वल टू क्या था टू की पावर एन माइनस वन, क्या होगा टू की पावर एन माइनस वन। सो जीरो वन टू ये एन माइनस वन है, तो यह भी एन माइनस वन होगा भाई, ये था टू की पावर एन माइनस, ये ध्यान रखना है, अगर एन माइनस वन सी एन माइनस वन तो क्या आ जाएगा, नहीं रिप्लेस कर दिया था एन को एन माइनस वन बाई। सिमिलरली एन सी जीरो प्लस एन सी टू प्लस एन सी फोर प्लस एन सी सिक्स वी हैव टू की पावर एन माइनस वन, टू की पावर एन माइनस वन। सिमिलरली एन सी वन एन सी थ्री एन सी फाइव एन सी सेवन विल बी टू की पावर एन माइनस वन, जो भी क्या होगा टू की पावर एन माइनस वन की वैल्यू होगी। सिमिलरली अगर मान लिया इसमें रिप्लेस कर देता हूं, मैं क्या कर देता हूँ एन की वैल्यू क्या कर देता हूँ, एन की वैल्यू एन माइनस वन रिप्लेस कर देता हूँ, क्या आ जाएगी है? एन माइनस वन सी जीरो सी वन प्लस एन माइनस वन सी थ्री एन माइनस वन सी फाइव प्लस एन माइनस वन सी सेवन इज इक्वल टू वी गेट टू द टू की पावर एन माइनस वन माइनस वन, तो क्या आएगा टू की पावर एन माइनस टू, और क्या आएगा और क्या है एन माइनस टू। अगर इसमें रिप्लेस एन माइनस टू कर देता हूँ तो क्या आएगा एन माइनस टू सी वन एन माइनस टू सी थ्री एन माइनस टू सी फाइव एन माइनस टू सी सेवन इक्वल टू क्या टू की पावर एन माइनस थ्री। ठीक है, आज बात समझ में, ये जो है इजीली आ जाएगा।
दो ग्रेड याद करने हैं, जो सिग्मा है ये सॉन्ग डबल 0 to i to j to n, यानी i और j की वैल्यू क्या है, 0 और n के बीच लाई करी, सिमिलरली चीज है एन सी आई एन सी जे इक्वल टू एन इंटू 2 की पावर n, ये क्या आएगा एन एन सी आई इक्वल टू एन मल्टीप्लाई 2 की पावर n-1, कहीं भी एक चीज की जरूरत पड़ेगी हम इसका जो है इसका यूज कर लेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, इसको इसको याद कर लेना कि एन सी आई इक्वल टू एन 2 की पावर n-1, एन सी आई प्लस एन सी जे इक्वल टू एन इंटू 2 की पावर n, ये इसका जो है रिजल्ट है। जैसे देखते हैं क्या एप्लीकेशन आता है इसका, ठीक है। जैसे जैसे क्या है ये, सिग्मा 0 से i j to n, इसकी वैल्यू निकालनी है क्या है, आई सी जे एन सी आई प्लस एन सी जे इसकी वैल्यू निकालनी है, 0 i to j to n इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है। अच्छा क्या करता हूँ मैं, रिप्लेस कर सकता हूँ i/n-i j/n-j, क्या कर सकता हूँ, रिप्लेस एन बाई क्या करता हूँ, रिप्लेस रिप्लेस i/n-i and j/n-j, क्या कर सकते हो, रिप्लेस करा इसको, क्या आ गया दोनों से रिप्लेस, आई की वैल्यू क्या गया, n-i प्लस n-j n-i प्लस n-c n-j, n-c n-i n-c n-j, इससे क्या आ गया ये एन और एन क्या आ गया, ये क्या आ गया 2n, -i+j एन सी, देखो ये क्या है एन सी आई कौन लोग पढ़ाता हमने, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ये पढ़ा होगा आपने परमोटेशन कॉम्बिनेशन में, एन सी एन माइनस वाई क्या है, एन सी एन माइनस आई क्या आ जाएगा, ये एन सी एन माइनस आई क्या आएगा, एन से एन जाएगा क्या आएगा एन सी आई, विच मीन्स है एन सी एन माइनस आई मीन्स एन सी एन माइनस आई मीन एन सी आई प्लस एन सी जे, एन सी आई प्लस एन सी जे, मान लिया ये तो जो है इसकी क्या है, ये तो इसकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये क्या है इसकी सेकंड इक्वेशन है, ये क्या है इसकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये क्या है इसकी सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों क्या कर लेता हूं मैं, ऐड कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं इन दोनों को ऐड कर लेता हूं, ऐड करके क्या आ जाएगा ये, अगर मान लिया ये एस की इक्वलेंट है
इक्विवेलेंट हो गए, क्या रहेगा ये एस और एफ, क्या रहेगा टू एफ। S, टू एस। अच्छा ये क्या जाएगा इससे, आई प्लस जे प्लस जे से ये क्या कट जाएगा, तो क्या जाएगा ये टू एन, क्या जाएगा ये टू एन, और ब्रैकेट में क्या जाएगा ये एन सी आई प्लस एन सी जे, एन सी आई प्लस एन सी जे, ये आ जाएगा बस ये कॉमन लेके आ जाएगा एनसीआई प्लस एनसीजे, ये टू से टू जाए ये बाहर जाएगा, तो टू एस इक्वल टू टू एन एनसीआई प्लस एनसीजे, इस क्या जाएगा टू से ये टू के एंड से एस इक्वल टू, एस इक्वल टू एन ये एनसीआई और एनसीजे, ये इसकी एनसीआई एनसीजे की वैल्यू भी क्या हो रही थी, मैंने अभी क्या बताया गया था ना एन इंटू टू की पावर एन, क्या आ गया ये एस इक्वल टू, ये तो ये है एन इंटू टू की पावर एन, ये एन स्क्वायर टू की पावर एन, हेंस एस इक्वल टू वैल्यू आ गई एन स्क्वायर टू की पावर एन, दैट इज इट मीन्स दैट एस इक्वल टू मीन्स इक्वल टू की वैल्यू क्या आ गई एन स्क्वायर इंटू टू की पावर एन। आई किस तरह है समझो, देखो भाई क्या था एस इक्वल टू अभी जीरो टू आई जे टू एन, ये एक क्वेश्चन था, इसकी वैल्यू निकालनी है, समेशन निकालना है, सब निकालना है, लेट दैट इज सम इज एस, इन दिस क्वेश्चन वी रिप्लेस आई बाई एन आई एन माइनस आई एंड जे बाई एन माइनस जे, वी हैव दैट एस इक्वल टू, ये तो सेम एंटिटीज एन माइनस आई प्लस एन माइनस जे, ये एन सी एन माइनस वन एन सी एन माइनस जे, एन एन क्या आ गया टू एन माइनस को मान जाएगा टू एन माइनस आई प्लस जे, ये एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, एन से जाएगा एन सी आई प्लस एन सी जे, ये तो मान लिया एक क्वेश्चन है, ये सेकंड है, तुम तो मैं क्या कर लूंगा, मैं ऐड कर लूंगा, क्या कर लूंगा एन एस और एस कितना जाएगा ये टू एस, ये सिग्मा आई जीरो टू वन टू जे एन टू एन एन सी आई प्लस एन सी जे, ठीक है भाई इसकी इसको सोल्व करके आ गया एन सी आई प्लस एन सी जे, इसकी वैल्यू भी क्या बताई थी मैंने, ये थी ना भी है, ये भी बताई थी मैंने, ये था सिग्मा आई टू जे एन एन सी आई प्लस एन सी जे, इसकी वैल्यू कितनी बताई थी एन इंटू टू की पावर एन, क्या बताई थी एन इंटू टू की पावर एन, एन इंटू टू की पावर एन, और आई इक्वल टू सिग्मा आई वन टू जे एन सी आई, उसकी वैल्यू क्या बताई थी मैंने अभी एन इंटू टू की पावर एन माइनस वन, तो इसकी वैल्यू रख दी एन इंटू टू की पावर एन डायरेक्ट यहां से, तो एन एन क्या आ गया एन स्क्वायर, दैट इज मीन्स एन स्क्वायर टू की पावर एन, इसका मतलब है कि इस समेशन की वैल्यू एन स्क्वायर टू की पावर एन होगी, इन्हें तीनों रिजल्ट को याद भी कर लेना, ठीक है भाई।
क्वेश्चन अभी है, फाइंड द सम ऑफ पॉलिंग एन सी जीरो, एक है एन सी जीरो माइनस एन सी टू प्लस एन सी फोर माइनस एन सी सिक्स एंड एक सिक्स वैल्यू निकालनी है। एन सी नॉट एन सी जीरो माइनस एन सी टू प्लस एन सी फोर एक एन सी वन माइनस एन सी थ्री प्लस एन सी फाइव माइनस एन सी सेवन एक की वैल्यू निकालनी है। ठीक है साहब, और एक निकालनी है एन सी जीरो एन सी फोर एन सी एट एन सी ट्वेल्व एक की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ठीक है, इसकी निकालनी है टू सिक्स टेन ट्वेल्व। टू सिक्स टेन फोर्टीन एक वैल्यू निकालनी है मुझे। ठीक एक इसकी निकालनी है। ये इसकी निकालें थ्री सेवन इलेवन और फिफ्टी। एक इसकी वैल्यू निकालनी है। ये कितने हैं, ये इनकी सबकी जो है सम की वैल्यू निकालनी है। किसका निकालते हैं इसकी वैल्यू? देखो बहुत इजी है, देखो सीधे सीधा ना काम बताता हूँ मैं। मान लिया एक लोग अगले पढ़ा था, ये क्या पढ़ा था? ये होता है वन प्लस एक्स की पावर एन। क्या होता है पढ़ा था हमने? वन प्लस एक्स की पावर एन। क्या पढ़ा था हमने? वन प्लस एक्स की पावर एन। क्या पढ़ा था ये? वन प्लस एक्स की पावर एन एन सी जीरो। क्या पढ़ा था? एन सी जीरो एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स का स्क्वायर प्लस एम सी थ्री एक्स का क्यूब प्लस एम सी एन एक्स की पावर एन। ये पढ़ा था भाई हमने एम सी एन एक्स की पावर एन। ठीक है भाई, अब मैं क्या पुट कर देता हूं, एक्स इक्वल टू आयोटा, एक्स इक्वल टू आयोटा पुट कर देता हूं। एक्स इक्वल टू आयोटा वही है जो कॉम्प्लेक्स में पढ़ा था। आयोटा क्या है? आयोटा की वैल्यू क्या है? रूट माइनस वन। फिर क्या करता हूँ, लिखो क्या देगा? वन प्लस आयोटा की पावर एन इक्वल टू क्या जाएगा? ये एन सी जीरो प्लस एन सी वन आई आयोटा यहां आ जाएगा, शुरू में लिखूंगा या बाद में लिखो कोई दिक्कत नहीं है, चलो यही लिख दो। प्लस एन सी टू आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? आयोटा का स्क्वायर वैल्यू आई मल्टीप्लाई आई रूट माइनस वन मल्टीप्लाई रूट माइनस वन क्या आ गया? माइनस वन। ठीक है, माइनस एन सी टू आयोटा क्यू माइनस आयोटा क्या आ जाएगा? माइनस एन सी थ्री आई आयोटा प्लस एन सी फोर बस। ये इस तरह की चीज आ जाएगी। ठीक है, और इसको अब क्या है कि देखो ये अल्टरनेट है, जीरो टू फोर ये इस तरह का आ रहा है, इसको क्या करेंगे? ठीक है, इनको अलग अलग कर लेंगे, क्या आ जाएगा?
एक तो आयोटा वाले ये आएगा जहां से, और एक जिसमें आयोटा नहीं है, उनको दोनों क्या कर लूंगा मैं, अलग अलग कर लूंगा। क्या आएगा? अलग अलग N3 0, क्या कहे, N3 0 -NC2 +NC4 -NC6 and 4 ये आए। और आयोटा से क्या आएगा भैया? NC1 NC1 -NC3 NC1 -NC3 +NC5 -NC7 आयोटा। ये इसके ऊपर भी चल गया, ये क्या इनको ले सकता हूं मैं से, NC0 NC2 NC4 NC6 क्या इनको ले सकता हूं मैं से, इससे पहले ये गिवन है मुझे 1 + iota की पावर n। क्या गिवन है मुझे? 1 + iota की पावर n क्या है ये? N ये क्या ही बोला है? 1 + iota की पावर n क्या ही बोला है? वही इसको कर लेना √2 की पावर n। इसे क्या लिख सकता हूं मैं? √2 की पावर n √2 की पावर n 1/2 + iota की पावर 2 की पावर n। ये कोई ये कर दिया मैंने ठीक। अब इसको क्या कर जाएंगे? ये हो गया 2 की पावर n/2, 2 की पावर n/2। 1/√2 क्या की कोई होती है? cos π/4 + iota sin π/4 की पावर n। इसमें क्या लगा दूं? डिमोस थ्योरम। डिमोस थ्योरम क्या होती है? cos θ + i sin θ की जो पावर होती है एंगल में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई होती है। क्या आ गया? 2 की पावर n/2 cos n π/4 iota sin n π/7 2 पावर n/2 cos n π/4 + iota sin π/4। इट मीन्स 1 + iota की पावर n। इट मीन दैट इज 2 की पावर n/2 cos n π/4 + iota sin n π/4 = दैट इज मीन्स इसके इक्वल हो जाएगा। इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ही क्या कर दूं मैं? कंपेयर कर देता हूं यहाँ पे। क्या कर देता हूँ? कंपेयर कर देता है। क्या कंपेयर करके आ जाएगा ये रियल पार्ट की में? रियल पार्ट कितना आ गया इसका? 2 की पावर n/2 cos π/4 क्या आ गया? 2 की पावर n/2। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। कंपेयरिंग करें क्या आएगा? 2 की पावर n/2 cos n π/4 = क्या आएगा? NC0 - NC2 + NC4 - NC6। ये आ जाएगा। सिमिलरली 2 की पावर n/2 sin π/4 कहेंगे तो ले जाएगा। क्या को ले जाएगा ये? NC1 NC3 क्या जाएगा ये? NC1 - NC3 NC5 - NC7 इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा। एंड ऑल से वी नो, और हम क्या जानते हैं? मान लिया ये तो फर्स्ट इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन है? मान लिया
ये तो फर्स्ट है, ये कौन सी क्वेश्चन है सचिन? और वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? एन सी जीरो प्लस एन सी टू प्लस एन सी फोर प्लस एन सी सिक्स, ये क्या की वैल्यू होती है? टू की पावर एन माइनस वन, क्या की वैल्यू होती है? टू की पावर एन माइनस वन। और ये क्या की वैल्यू होती है? एन सी वन प्लस एन सी थ्री एन सी फाइव एन सी सेवन, ये क्या की वैल्यू है? टू की पावर क्या की वैल्यू होती है? एन, ये क्या की वैल्यू होती है? ये होती है टू की पावर एन। मान लिया ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये सेकंड है, ये क्या आ गई? थर्ड, ये आ गई फोर्थ, ये वी नो। अब क्या करता हूं, एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स, एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को ऐड कर लेता हूं मैं, फर्स्ट एंड ऐड फर्स्ट एंड यह फर्स्ट, तो कौन सी है? यह फर्स्ट, फर्स्ट तो ये रही है, और सेकंड ये, एडिंग क्या कर लेता हूं मैं, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड को क्या है? ऐड कर लेता हूं, फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड करके क्या आ जाएगा? ये क्या है? टू की पावर एन बाई टू कोस एन पाई बाई फोर। ठीक है, देखो इस माइनस से ये माइनस वाली टर्म सारी क्या हो जाएंगी? कट जाएगी, माइनस वाली टर्म क्या हो जाएगी? सारी कट जाएगी, क्या आ जाएगा? ये क्या जाएगा यहाँ से? एन सी नोट एन सी जीरो एन सी फोर, ये आ जाएगा देखो, एन सी जीरो एन सी फोर एन सी एट एन सी ए नहीं आएगा, क्या आएगा? एन सी फोर एन सी टू, और इन्हें दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा? टू की पावर एन माइनस वन प्लस टू की पावर एन बाई टू कोस पाई बाई फोर प्लस साइन एन फाइव बाई फोर, क्या आ जाएगा ये? देखो क्या आ जाएगा ये, इसको जब मैं ऐड करूंगा किसके, एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, एडिंग मान ले ये तो फर्स्ट थी क्वेश्चन, ये सेकंड थी, ये थर्ड थी, ये फोर्थ है, तो टू से टू जाए क्या आएगा? टू की क्या आएगा? टू की पावर एन बाई टू, टू की पावर एन बाई टू क्या आएगा? एन सी नॉट एन सी जीरो एन सी जीरो प्लस एन सी फोर प्लस एन सी सिक्स, अब टू टू की पावर एन बाई टू कोस एन पाई बाई फोर, टू की पावर एन बाई टू, टू की पावर एन बाई टू कोस पाई बाई फोर, टू की पावर एन बाई टू कोस पाई बाई फोर प्लस टू की पावर एन माइनस वन प्लस टू की पावर एन माइनस वन। ठीक है भाई, इन्होंने क्या कर लूं, वन बाई टू को दोनों से क्या कर लेता हूं? कॉमन ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं? वन बाई टू कॉमन ले, तो क्या आ जाएगा ये? और ये दो 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 आ जाएंगे भाई इधर के, ये दो दो नहीं आ जाएंगे, एन सी वन
फर्स्ट एंड थर्ड को जब जोड़ूंगा क्या आ जाएगा, एनसी नोट, एनसी नोट, एनसी जीरो, एनसी जीरो, ये इसके नीचे आ जाएगा 1/2, क्या आएगा 2 की पावर n/2 cos π/4 प्लस 2 की पावर n-1, ये यहाँ दो आ जाएंगे ना, यहाँ ये दो इसके नीचे आ जाएगा, ये आ गया। तो 2 की पावर n/2 cos π/4 प्लस 2 की पावर n/2 cos π/4। अच्छा, अब जो है ये तो एडिंग करा था, ये क्या करा था, एडिंग करा था, एडिंग करा था किसी किसके, बाई थर्ड एंड फर्स्ट। अब क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। अब क्या कर देता हूँ मैं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, क्या थर्ड में से फर्स्ट को, थर्ड में से फर्स्ट को कर देता हूँ, थर्ड में से इस फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा, अब ये कट जाएंगे, 2NC2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2NC2, ये आएगा 1 की पावर 1/2 2 की पावर n-1, क्या आएगा, अच्छा इधर क्या आ जाएगा, ये NC2 क्या जाएगा यहाँ पे, NC2 2NC2 प्लस NC4 NC2, इसे NC2 प्लस NC6, ये अदर 2 इधर क्या जाएगा, ये इक्वल टू 2 की पावर n-1 माइनस2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n/2 माइनस 2 की पावर n/2 cos n π/4, ये और ये, और ये 2 इधर आएगा, ये इसका ट्वाइस का, अब क्या कर लेंगे, तो क्या है ये 1 प्लस x की पावर i की पावर n है, इस तरह जैसे सिमिलरली है, हम जैसे कैसे कर सकते हैं, 2 और 4 को 2 और क्या है, 2 और 4 को क्या कर सकते हैं, एक बार ऐड कर लेंगे, एक बार क्या कर लेंगे, सबसे बाई देखो 1 प्लस x की पावर n इक्वल टू nc1 nc2, ये सीधा फॉर्मूला है, इसमें रिप्लेस कर दिया मैंने x इक्वल टू आयोटा, मैंने आयोटा इक्वल टू क्या है √-1, ये है कि 1 प्लस x की पावर n x की रिप्लेस कर दिया x/i, रिप्लेस क्या कर दिया x/i, वेयर तो 1 प्लस i की पावर ये आ गया, ये माइनस प्लस आ जाएंगे क्योंकि i² की वैल्यू क्या आएगी -1 और i² की आयोटा ही ठीक रहेगी। अब इसमें क्या करा मैंने, जो इसके इमेजिनरी वो रियल पार्ट को जो है अलग अलग कर लिया, रियल पार्ट एक जगह रख दिया और इमेजिनरी पार्ट एक जगह रख दिया, ठीक। अब गिविंग था मुझे 1 प्लस i की पावर n, इसमें क्या करा √6n को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ये है ना 1 प्लस i की पावर n, 1 प्लस i की √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये √2 से बन गया, कैसे ये √2 तो बाहर आ गया √2 की पावर n, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन √2 प्लस iota √2 की पावर n, ये देख लो यही है वो, ये इसको मैंने ये लिख दिया, और इसमें क्या लिख दू 2 की पावर 1/2 × n, तो क्या लिख दूंगा इसे 2 की पावर n/3, ये आ गया 2 की पावर n/3 cos θ + i sin θ की पावर n, क्या डिमोर सेम में क्या होता है cos θ + i sin θ, क्या होता है cos θ + iota sin θ की पावर n, अगर पावर n होती है इस फॉर्म में होता है तो n की क्या होती है, n की में मल्टीप्लाई क्या जाएगा cos n θ + iota sin n θ, ये आ जाता है, तो इसमें डिमोर सेम लगा दी मैंने, तो यानी कि ये इसकी वैल्यू है 2 की पावर n/2 cos n π/4 प्लस i sin n π/4 आ गई,
इसकी वैल्यू, इस कार्य की वैल्यू क्या आ गई, 2 की पावर n/2 cos n π/4 + iota sin π/4। जब इसकी वैल्यू ये आ गई यहाँ, तो इसकी कंपेयरिंग कर देंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स करा के ये क्या आ गया कंपेयर करके, ये तो जो है रियल पार्ट को मान लिया फर्स्ट इक्वेशन है, और ये जो इमेजिनरी आया है इसकी मान लिया क्या है सेकंड इक्वेशन है, और वी नो दैट NC0, NC2, NC4, NC6 इज इक्वल टू 2 की पावर n-1 एंड NC1, NC3, NC5 इक्वल टू 2 की पावर n। ये चार इक्वेशन हो गई, कौन कौन सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब इन चार इक्वेशन को बाय फर्स्ट एंड सेकंड, बाय फर्स्ट एंड थर्ड ले लिया, फर्स्ट और थर्ड को क्या कर लिया मैंने एड कर लिया, यहाँ क्या कर लिया मैंने एड करके क्या आ गया, ये आ गया, तो चूसे से डिवाइड करके आ गया, अब यहाँ क्या गया सब्ट्रैक्ट, क्या करा सब्ट्रैक्ट थर्ड माइनस वन, थर्ड में से वन को माइनस करूंगा तो ये क्या आएगा, ये आएगा 1/2 2 की पावर n-1 2 की पावर n/2 cos n π/4। सिमिलरली इसी तरह से हम किसे 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 कैसे लिख सकते हैं, सेकेंड और फोर्थ, सेकेंड और फोर्थ को एक बार क्या कर लूंगा मैं ऐड कर लूंगा, एक बार क्या कर लूंगा सब्ट्रैक्ट, ऐड करके क्या आ जाएगा, ऐड करके आ जाएगा NC1 NC5, इसी तरह NC1 NC5 NC9 और सब्ट्रैक्ट करके NC3 NC7 NC3 NC7 +NC10, ये सिर्फ फोर फोर के इसमें आ जाएगा, इस तरह हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आई बात समझे भाई, तो ये अच्छे रिजल्ट है, याद ही कर लेगा इसको। ठीक है, आई समझ में, निकालना है इसको, चलो बताओ।
क्या क्वेश्चन है ये? फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ द कोफिशिएंट ऑफ दिस सम ऑफ द कोफिशिएंट इज जीरो इफ द इन दिस एक्सपेंशन इन द इन दिस एक्सपेंशन सम ऑफ द कोफिशिएंट इज सम ऑफ कोफिशिएंट इज जीरो. देखो इसके फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इन द एक्सपेंशन ऑफ गिवन है सम ऑफ द कोफिशिएंट इज जीरो. इसके एक्सपेंशन में इसके सम का कोफिशिएंट क्या है? जीरो है. जैसे अच्छा इसके एक्सपेंशन में सम ऑफ कोफिशिएंट क्या जाएगा भाई? सम ऑफ कोफिशिएंट क्या जाएगा? अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू जीरो की पावर 51 इक्वल ये आ गया. सम ऑफ द कोफिशिएंट ये आ गया भाई. ये किसका क्या आएगा? ये किया था कौन सम ऑफ द कोफिशिएंट. अच्छा और गिवन है कि इसका जो सम ऑफ द कोफिशिएंट है वो कितना है? जीरो है. क्या है वो? जीरो है. ये सम ऑफ कोफिशिएंट आ गया अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 की पावर 51 इक्वल टू जीरो. ये क्या आ गया भाई? ये जीरो आ गया. अच्छा दोनों तरफ क्या ले रहा है? स्क्वायर रूट ले लिया. अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू जीरो. ये क्या आ गया? अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस कितना आएगा? अल्फा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस अल्फा प्लस 2 क्योंकि एफेक्ट तो 3 हो बहुत कर लिए हैं बूढ़े हो गए थे करते करते. अल्फा माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे अल्फा माइनस 2 इक्वल टू जीरो. अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू जीरो. इट इम्प्लाइज दैट अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 1 एंड 2. सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ दिस इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 1 2. देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में एक्चुअली समझो. बहुत इजीली क्वेश्चन है. अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3 अल्फा प्लस 2 की पावर 51 सम ऑफ द कोफिशिएंट सम ऑफ द क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 सम ऑफ द कोफिशिएंट आ गया. गिवन है तो इस द कोफिशिएंट इज 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा. अल्फा की वैल्यू निकालनी है. इक्वल टू 51 तो दोनों तरफ 0 है. इस तरफ 0 है तो 0 ही रहेगा. स्क्वायर रूट क्या आ गया? आ गया. इसके फैक्टर कर ले तो अल्फा इक्वल टू 1 2 हेंस द अल्फा वैल्यू विल बी 1 एंड 2. ये है क्वेश्चन है. 1 प्लस एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर की पावर 20 इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स स्क्वायर अब तो ए 40 एक्स पावर 40 ए 40 एक्स पावर 40 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
a1 + a3 + a5 क्या है फाइनल वैल्यू ऑफ a1 + a3 + a5 + up to a39। a1, a3, a5 up to a39 की वैल्यू निकालनी है। देखो भाई गिवन क्या है, गिवन है 1 + x - 2x² a0 a1x + a2x² a3x2 a4x², ये गिवन है। अब इस गिवन में क्या कर सकता हूं मैं, x = 1 पुट कर दूं, पुट x = 1, x = 1 के लिए क्या आ जाएगा 1 + 1 - 2 × 1² 1 और 1 कितना है 2 - 2 × 1² 1, 2 - 2 = 0 क्या है a0 a1 a2 a3 a4 up to a4। याद है भाई, ये मान लिया, ये तो मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या जाएगा 1 का स्क्वायर क्या जाएगा 1 + 1 क्या जाएगा 2 2 - 2 1 का स्क्वायर 1 × 2 2 - 2 कितना गया 0 0 = क्या गया a0 a1 a2 a3 a4 up to a4। अब ये चल रहा है पुट जो है मैं x = -1 पुट कर दूं, मान लिया ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये कौन सी इक्वेशन आ गई फर्स्ट इक्वेशन। पुट सिमिलरली पुट x = -1, सिमिलरली x को -1 से पुट कर, x को -1 क्या कर दूंगा तो 1 - 1 - 2 2 - 1 का स्क्वायर - 2 1 - 1 क्या आ गया 2 क्या आ जाएगा 1 - 1 - 2 a0 - a1 + a2 - a3 + a4 - a5 up to a1। प्लस के लिए क्या आएगा a4 क्या आएगा, ये देखो इसमें क्या है जितने भी इवन है नंबर ये 0 3 तो आ गए माइनस में जाएंगे, और जितने भी ओड हैं जितने भी इवन है वो क्या है वो आ रहे प्लस में। मान ले क्या आ गई इधर भी क्या आ गया ये 1 - 1 कितना 0 2 - 1 का स्क्वायर 1 तो माइनस ये आएगा -2 की पावर 0 - 2 × 1 की पावर 20 0 - 2 - 2 की पावर 20 माइनस की पावर कैसी आई है इवन है, इवन है तो क्या आएगा प्लस का तो 2 की पावर 20 ये क्या आ गया 2 की पावर 20 क्या आ गया 2 की पावर 20 = a0 - a1 + a2 - a3 a4। अब मान लिया ये सेकंड इक्वेशन आ गई, क्या आ गई ये, अब क्या करता हूँ 0 by the first and second इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ भाई दो में से, इसे क्या करता हूँ सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा एक में से दो को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, क्या बचेगा ये a0 - a1 + 2a3 ये तो चाहता है उनको, चाहता है a1 a3 a5 तो ये कब आएगा अगर इसमें सब्ट्रैक्ट कर दे a0 से a0 जाएगा a2 से a2 से जाएगा क्या आएगा 2a1 आ जाएगा इधर से क्या आएगा 2a3 + 2a5 इधर से क्या आ जाएगा 2a1 लेकिन बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आएगा भैया
2a1 प्लस 2a3, 2a1 प्लस 2a3 प्लस a39 आ जाएगा। सुनो सबको करके, क्या जाएगा ये? a1 से a1 जाएगा, a3 से a1 से a1 ये चले जाएगा ना, ठीक नहीं है? इसे ए नोट से a1 2 2 आ जाएगा, 40 भी चले जाएगा, यानी सारे जितने भी इवन के नंबर हैं ये सब क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, ठीक है? क्या जाएगा इक्वल टू a9 इक्वल टू क्या जाएगा माइनस 2 की पावर 20, ये ना माइनस 2 की पावर 20। अब 2 को उसको डिवाइड कर दूंगा तो क्या जाएगा ये a1 प्लस a3 प्लस a5 अब टू a39 इक्वल टू डिवाइड माइनस 2 की पावर 19, क्योंकि और क्या आ जाएगा 19, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 की पावर माइनस 19। देखो क्या है, ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी है a1 प्लस a3 a5 अब टू a39 की वैल्यू हमको निकालनी है। क्या करूंगा मैं इस सिचुएशन में, पहले तो x इक्वल टू पुट करके x इक्वल टू 1 पुट करके एक इक्वेशन ये आ गई, फिर क्या करा मैंने x इक्वल टू क्या करा पुट, सिमिलरली x इक्वल टू -1, फिर दोनों को ये इक्वेशन आ गई। मुझे को चाहता है ये a1 a3 ये दोनों कब कर सकता हूँ, अगर इसको क्या कर दू साइन अलग अलग है यानी कि जो चाहता है मुझे, तो ये सब्ट्रैक्ट कर दू, क्या कर दू सब्ट्रैक्ट कर दे सेकंड फ्रॉम थर्ड, तो इसे 0 माइनस 2 की पावर 20, तो -2 की पावर 20 तो ये आ गया, दोनों का क्या जाएगा 2a1 आ जाएंगे, 2a3 आ जाएंगे, 2a5 कई बार कर दिया, दोनों को 2 कॉमन लेके गया आ गया सीधा, तो 2 इसके नीचे ला दूंगा, 2 की पावर 20.2 क्या गया -2 की पावर 19 आ जाएगा ये, ठीक है? और ये बात समझे भाई थोड़ी सी, देखो एक क्या है सम ऑफ द कोफिशिएंट इन एन एक्सपेंशन, क्या है सम ऑफ द कोफिशिएंट, सम ऑफ द कोफिशिएंट इन एनी एक्सपेंशन, इन एनी एक्सपेंशन, सम ऑफ द कोफिशिएंट इन एनी एक्सपेंशन, सम ऑफ द कोफिशिएंट इन एनी एक्सपेंशन। देखो क्या होता है, जैसे मान लिया ए क्या है, अगर किसी का भी एक्सपेंशन में, अगर किसी का भी सम ऑफ द कोएफिशिएंट एक्सपेंशन में लिखवाना है, निकालना है, तो एक्स जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इफ वी फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एन एक्सपेंशन पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल लेके, जैसे जैसे फाइंड द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ 1 माइनस 2x प्लस 3x² की पावर 50, फाइंड द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ, इसका
इसका सम ऑफ द कोफिशिएंट निकालना है। तो सम ऑफ द कोफिशिएंट निकालने जो भी वेरिएबल हो जितने भी, उस हर एक वेरिएबल की वैल्यू क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं टू। ठीक है, सम ऑफ द कोफिशिएंट, सम ऑफ द कोफिशिएंट क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू वन। एक्स इज इक्वल टू वन क्या आएगा, वन माइनस टू मल्टीप्लाई वन, थ्री मल्टीप्लाई वन का स्क्वायर, वन माइनस टू प्लस थ्री इंटू वन का वन, वन माइनस टू प्लस थ्री क्या आएगा फोर, इसके बाद कितने आएगा फिफ्टी, इसके बाद फिफ्टी तो थ्री प्लस वन क्या आएगा फोर माइनस टू इक्वल टू टू पावर सिक्सटीन, द सम ऑफ द एक्सपेंशन इज टू पावर फिफ्टी। सिमिलरली इन वी दैट टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फोर दैट, एक क्वेश्चन ये रहा है कि सम ऑफ द कोफिशिएंट निकालना है टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फोर दैट की पावर टेन, इसका सम ऑफ द कोफिशिएंट किसे निकालते हैं, निकालते हैं सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एन एक्सपेंशन, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ इन एन एक्सपेंशन निकालते हैं सम ऑफ द कोफिशिएंट, सम ऑफ द कोफिशिएंट क्या निकालते हैं, एक्स इक्वल टू वन वाई इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू वन, यानी जितने भी बताया था जितने भी वेरिएबल हो सबकी वेरिएबल की वैल्यू क्या निकाल देते हैं, वन निकाल देते हैं। तो क्या आ गया टू मल्टीप्लाई वन माइनस थ्री मल्टीप्लाई वन फोर मल्टीप्लाई वन की पावर टेन, तो टू मल्टीप्लाई टू टू माइनस थ्री प्लस फोर फोर और टू की पावर कितने टेन, तो क्या आ गया फोर और टू सिक्स, सिक्स में थ्री जाके थ्री, तो थ्री की पावर टेन, हेंस द सम ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ दिस वैल्यू इज थ्री की पावर टेन। यानी कि अगर किसी भी सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एन एक्सपेंशन की निकालनी है, जितने भी जो भी वेरिएबल दिए हों वेरिएबल की वैल्यू क्या कर देंगे, वन कर देंगे, वी कैन फाइंड द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द एक्सपेंशन। ठीक है, आगे बात है, आगे बढ़ते हैं। जैसे एक एक और सिंपल क्वेश्चन से लगाते हैं, छोटा सा एक अच्छा सवाल है, भी जैसे क्या है क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू टेन, अल्फा प्लस बीटा टेन, ये क्या है फैक्टोरियल टेन अपॉन फैक्टोरियल अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा एक्स की पावर, फाइंड फाइंड द वैल्यू या प्रूव दैट दिस वैल्यू समथिंग, या फाइंड दिस वैल्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू टेन, कि अल्फा बीटा अपॉन गामा फैक्टोरियल टेन अपॉन फैक्टोरियल वन अपॉन फैक्टोरियल अल्फा अपॉन फैक्टोरियल बीटा अपॉन फैक्टोरियल गामा। अच्छा ठीक है, तो इसका मान लिया जनरल टर्म्स है, इसका मान लिया कि मान लिया एक्सपेंशन है कि तीन टर्म तीन को है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर टेन, या भाई इसका जनरल टर्म्स क्या आ जाएगा, इसका जनरल टर्म्स क्या आ जाएगा भाई, फैक्टोरियल टेन फैक्टोरियल टेन, अच्छा ये टेन मान लिया टेन क्या है, टेन की वैल्यू मान लिया दैट टेन की वैल्यू तीन एन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा,
इस टेन की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर के आगे अल्फा प्लस बीटा प्लस टेन, तो क्या आएगा फैक्टोरियल एन, वही है जिसमें लिखे फैक्टोरियल एन अपॉन, क्या आएगा नीचे फैक्टोरियल अल्फा अपॉन फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा, ये ठीक। और आगे क्या जाएगा सी, एक्स की पावर अल्फा के कोरस्पॉन्डिंग में, एक्स की पावर अल्फा, वाई की पावर बीटा, जेड की पावर गामा, इसका जनरल टर्म्स आ गए, क्या आ गया पी आर आ गए। अच्छा सम ऑफ द कोएफिशिएंट क्या जाएगा, सम ऑफ द कोएफिशिएंट, सम ऑफ द कोएफिशिएंट अभी बताया था मैंने, क्या जितने भी वेरिएबल हो उसकी वैल्यू क्या निकाल दो, क्या पुट कर देते हैं वन रख देते हैं, एक्स इक्वल टू वन वाई इज इक्वल टू जेड फॉर सम ऑफ द कोएफिशिएंट, सम ऑफ द कोएफिशिएंट या आगे थी आर इक्वल टू। अच्छा इसके सम फॉर द सम ऑफ द कोएफिशिएंट क्या आ गया सिग्मा, इसके क्या आ गया सिग्मा जाएगी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी टेन तक की आ जाएगी, तो टेन अपॉन अल्फा बीटा गामा, वन की पावर अल्फा कितनी आ गई वन, वन की पावर बीटा कितनी आ गई वन, वन की पावर गामा कितनी आ गई वन, ये वन वन मल्टीप्लाई वन वन आ गया वन, तो हैंस इज इक्वल टू क्या आ गया सिग्मा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू टेन, टेन अपॉन अल्फा फैक्टोरियल फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब क्या है रेशियो ऑफ कंजर्वेटिव कोएफिशिएंट, रेशियो ऑफ कंजर्वेटिव रेशियो ऑफ कंजर्वेटिव रेशियो ऑफ कंजर्वेटिव कोएफिशिएंट, रेशियो ऑफ कंजर्वेटिव कोएफिशिएंट यह जैसे इन बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन से है ये पढ़ा रूप जो रेशियो ऑफ कंजर्वेटिव कोएफिशिएंट या टर्म्स, जैसे एक मान लिया एक तो एक्सपेंशन है मान लिया वन प्लस एक्स की पावर एन, ये है कोएफिशिएंट कितना आएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर क्या आएगा एन सी आर, इसके एक्सपेंशन में अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर माइनस वन, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर माइनस वन एन सी आर माइनस वन, क्या जाएगा एन सी आर माइनस वन। अच्छा अब मैं क्या करता हूं इसको दोनों को डिवाइड कर देता हूं, क्या कर देता हूं डिवाइड कर देता हूं मैं, अच्छा वी दैट अब क्या कर देता हूं मैं एन सी आर, इसके वैल्यू क्या देता हूं एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन, इसकी वैल्यू क्या आ गई फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल आर माइनस वन,
कई बार इसकी वैल्यू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस वन इंटू एन माइनस आर प्लस वन, ये आ गई इसकी वैल्यू। ठीक, ये फैक्टोरियल से फैक्टोरियल चला जाएगा, ठीक ही नहीं है। इस एन माइनस आर से बाहर आगे क्या जाएगा, एन माइनस आर जाएगा ये। ठीक, इससे एन माइनस आर बाहर आ, एन माइनस आर प्लस वन बाहर आगे, इससे ये कट जाएगा, तो क्या जाएगा ये एन सी एन माइनस आर प्लस वन क्या जाएगा, एन माइनस आर प्लस वन ये आ जाएगा बाहर, अपॉन ये आर बाहर जाएगा अपॉन आर, ये क्या आ गया एन माइनस आर, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर ये आ गया। अगर मैं आर की जगह इसमें रिप्लेस कर देता हूं, ये आ गया एन सी आर, एन सी आर माइनस वन, इफ वी रिप्लेस आर बाई आर प्लस वन, इफ वी रिप्लेस आर बाई आर प्लस वन, क्या रिप्लेस कर देता हूं मैं इसमें, रिप्लेस आर बाई आर बाई आर प्लस वन एंड एन बाई एन माइनस वन। अगर रिप्लेस कर दू, क्या कर दू, आर को आर प्लस वन से और एन को आर को क्या रिप्लेस रिप्लेस कर दू आर प्लस वन से, एन को एन बाई प्लस वन, ये एन प्लस वन माइनस वन एन प्लस वन, आर को तो आर प्लस वन से और एन को क्या कर दू एन प्लस वन से, जी दैट तो क्या जाएगा एन प्लस वन सी आर, क्या जाएगा एन प्लस वन सी आर प्लस वन, एन प्लस वन सी आर क्या गया एन प्लस वन सी आर, एन प्लस वन सी आर प्लस वन, एन प्लस वन सी आर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एन माइनस, अच्छा एन प्लस वन यहां से एन प्लस वन करूंगा आर प्लस वन, ये तो दोनों कट ही जाएंगे, तो ये एडिटिव आएगा एन माइनस आर प्लस वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन, ये ज्ञान एन प्लस वन सी आर अपॉन एन प्लस वन सी आर प्लस वन इक्वल टू क्या आएगा एन प्लस वन ये आ जाएगा आर प्लस वन। देखो इसमें जो है एन सी आर, एन सी आर माइनस वन है, ये तो सेम इडिटिव आना है इसमें, यहाँ आर है तो यहाँ भी आर याद करने का तरीका, ये आ गया एन प्लस वन सी आर प्लस वन, ये तो एडजेक्टिव आना है, जो भी यहाँ आर होगा जो भी होगा वही यहाँ आर प्लस वन है, तो इधर भी आर प्लस वन आ जाए, ये शर्त है कि इसमें ये कम होता है, इससे क्या होता है एन तो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ आर है आर माइनस वन है, यहाँ आर प्लस वन है, यहाँ दोनों का डिफरेंस विल बी वन, तो क्या आ गया फॉर्मूला एन माइनस एन सी आर, एन सी आर माइनस वन इक्वल टू एन माइनस वन एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, और एन प्लस वन सी आर प्लस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन, ये याद करने का तरीका दिया, ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्या, इज द कोएफिशिएंट, इज द कोएफिशिएंट ऑफ, इज द कोएफिशिएंट ऑफ आर एस, आर एस प्लस वन, इज द कोएफिशिएंट ऑफ आर एस, आर एस आर वन प्लस एच एंड आर प्लस टू द टर्म्स,
आर ए पी, इसके इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ, इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस y की पावर m आर इन ए पी, देन प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस m फोर आर स्क्वायर माइनस टू इज द कोफिशियंट ऑफ आर आर प्लस वन एंड आर प्लस टू टर्म का किसके बाइनोमियल एक्सपेंशन के, किसके बाइनोमियल एक्सपेंशन के, 1 प्लस वाई की पावर एम के बाइनोमियल एक्सपेंशन के करना है कि एम है ए पी में, प्रूव दैट एम स्क्वायर माइनस एम फोर एम प्लस वन फोर आर स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, किसके कोफिशियंट में लेट, इसके कोफिशियंट है 1 प्लस वाई की पावर एम के कौन कौन से टर्म्स है, कौन कौन सी कोफिशियंट है आर में, मान लिया कोफिशियंट कौन कौन से हो गए, टर्म्स कौन कौन सी हो गई, टी आर प्लस वन और टी आर प्लस टू हो गई, क्या होगी, टी आर प्लस टू। कोफिशियंट क्या आ जाएगा, इसका कोफिशियंट क्या आ जाएगा, कोफिशियंट एम सी आर माइनस वन एम सी आर और एम सी आर प्लस वन एम सी आर प्लस वन ये है ना, जैसे जिन टर्म से निकालते हैं टी आर आर प्लस वन का एम सी आर, इसमें से क्या कर दूंगा, एक जोड़ दूंगा एक घटा दूंगा, ये हो गया आर प्लस वन माइनस वन, ये आर माइनस वन प्लस वन, टी आर प्लस वन का हो जाएगा ना, ये तो ये होगा एम सी आर माइनस वन एम सी आर, ये कोफिशियंट हो गए, क्या ही हो गए, ये कोफिशियंट क्या है, ये टर्म इस टर्म की आरवी टर्म की ये लिखा जाएगा टी आर प्लस वन लिखा जाना आरवी, जैसे लिखते हैं आर माइनस वन प्लस वन, ये टी आर माइनस आई एम सी आर, ये क्या है, ये एपी में है, क्या है ये एपी में है, एपी में तो क्या जाएगा, अगर ए बी सी आर ये क्या है ये, बट गिवन है आर इन एपी में, तो क्या जाएगा टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, क्या जाएगा टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, ये क्या जाएगा टू एम सी आर, क्या जाएगा टू एम सी आर इक्वल टू एम सी आर माइनस वन प्लस एम सी आर प्लस वन, क्या कर देता हूँ एम सी आर को दोनों से क्या करते हो डिवाइड कर देता हूँ दो से, इक्वल टू क्या आ गया एम सी आर माइनस वन फोन एम सी आर प्लस एम सी आर प्लस वन अपॉन, अच्छा अभी मैंने अभी फोन में बताया था मैंने एम सी आर अपॉन एम सी आर माइनस वन, इसकी डायरेक्ट वैल्यू रख दूंगा, डायरेक्ट वैल्यू रख सकता हूँ, देखो एक का डिफरेंस है दोनों के बीच ये है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आर अपॉन क्या जाएगा इसकी वैल्यू, आर अपॉन एम माइनस आर प्लस वन, आर अपॉन एम माइनस आर प्लस वन प्लस इसकी वैल्यू क्या आएगी एम सी आर प्लस वन की वैल्यू क्या आ जाएगी एम माइनस आर अपॉन आर प्लस वन एम माइनस आर अपॉन आर प्लस वन ये आ जाएगी मीन्स, ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या दोस्तों मैं इसके इधर ले आऊंगा क्या जाएगा टू माइनस आर अपॉन एम माइनस आर प्लस वन
इज इक्वल टू एम माइनस आर अपॉन आर प्लस वन, ये आ गई। ठीक है, और अब क्या आएगा फिर इसके बाद? इसे क्या आएगा? टू एम क्या आएगा? टू एम माइनस टू आर प्लस वन माइनस टू आर अपॉन एम माइनस आर प्लस वन इज इक्वल टू एम माइनस आर अपॉन आर प्लस वन। ठीक, इस टू क्या आएगा यहां से? टू एम माइनस टू आर प्लस थ्री, ये क्या आएगा? टू एम माइनस फोर आर क्या आएगा? माइनस आर आएगा ये तो, क्या आएगा? टू एम माइनस